आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार के बारे में जिसने गति के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम बात कर रहे हैं थ्रस्ट सुपरसोनिक कार की, जो कि विश्व की सबसे तेज कार है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। थ्रस्ट SSC एक सुपरसोनिक कार है जिसे ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड नोबल और उनके टीम द्वारा डिजाइन किया गया था। यह कार 15 अक्टूबर 1997 को एंडी ग्रीन द्वारा चलाई गई थी और इसने 1228 किलोमीटर प्रति घंटे की अद्वितीय गति हासिल की थी, जिससे यह ध्वनि की गति को पार करने वाली पहली कार बन गई। थ्रस्ट सुपरसोनिक कार का डिजाइन अत्यंत अद्वितीय और अत्याधुनिक है। यह कार 2 रोल्स रॉयस SP वेल्पर्स टर्बोजेट इंजन से लैस है, जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करती है। यह इंजन कुल मिलाकर 110,000 हॉर्स पावर की शक्ति उत्पन्न करती है। इसका एयरोडायनामिक डिजाइन इसे उच्च गति पर स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। 15 अक्टूबर 1997 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, जब एंडी ग्रीन ने थ्रस्ट सुपरसोनिक कार को ब्लैक रॉक डेजर्ट नेवादा USA में चलाया और 763 मील प्रति घंटे की गति को पार किया। यह कार ध्वनि की गति 343 मीटर प्रति सेकंड से भी तेज दौड़ी, जिससे यह सुपरसोनिक श्रेणी में आ गई। थ्रस्ट सुपरसोनिक कार की टीम ने इस कार को तैयार करने और चलाने के लिए कई सालों तक कड़ी मेहनत की। उन्हें कई तकनीकी और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कार के प्रत्येक हिस्से को बारीकी से टेस्ट किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उच्च गति पर सुरक्षित और स्थिर रहे। थ्रस्ट सुपरसोनिक कार की सफलता ने सुपरसोनिक कारों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। भविष्य में हम और भी तेज और अत्याधुनिक कारों की उम्मीद कर सकते हैं, जो नए रिकॉर्ड तोड़ेंगी और हमें नई सीमाओं तक पहुंचाएंगी। तो दोस्तों, यह थी जानकारी थ्रस्ट सुपरसोनिक कार के बारे में, जो कि विश्व की सबसे तेज कार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।